नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो विकास अवस्थी में। मैं आज एस्ट्रो विकास आपके लिए लेके आया हूँ तुला राशि का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष बेहतरीन सफलताओं का होगा। वर्ष के आरंभ से ही लगभग सभी ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। आपकी राशि के शुभ भाव में बैठे सभी ग्रहों का शुभ योग आपको कामयाबी के चरम पर ले जाएगा। कई महीनों से रुका हुआ आपका जो कार्य होगा वो पूर्ण होगा। इस साल कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। आप जहां भी जाएंगे मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापारिक वर्ग के लिए अगर कहें तो यह वर्ष किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। इसलिए यदि आप नए कार्य या व्यापार का आरंभ करना चाह रहे हैं तो पूरे तन मन से लग जाएं और नया कार्य व्यवसाय शुरू करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी और सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मकान वाहन के लिए अगर देखें तो मकान के क्रय का योग बनेगा। विलासिता पर अधिक खर्च होगा इस साल। इन सब पर नियंत्रण रखें ताकि आर्थिक तंगी दूर रहें। अब आता है व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो अगर विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो यह वर्ष उनके लिए नौकरी के योग लाएगा, नए अनुबंध बनाएगा, विदेश यात्रा के योग बनाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को यह नसीहत है कि वो पूरी ऊर्जा मेहनत से पढ़ाई करें या जो भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के अप्लाई करें ताकि उनको सफलता मिले और तनाव मुक्त रहें वो। शादी विवाह संबंधी अगर देखा जाए तो शादी विवाह संबंधी कार्य सफल रहेंगे। घर में मांगलिक कार्य होंगे, माहौल बड़ा खुशनुमा रहेगा। राजनीति की बात करें दोस्तों, राजनेताओं या समाज के संभ्रांत लोगों के लिए अगर देखा जाए तो काफी मेलजोल रहेगा इस बार, है ना। आप अपने कार्य व्यापार में पूरी तरह से जुड़ जाएं, यदि आप ऐसा करते हैं तो सफल होंगे आप। तो मैं समझता हूं यह साल तुला राशि वालों के लिए 80% अच्छा होगा। करियर की बात करें तो भारी उद्योग, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल, गैस, आयात, सीमेंट, आयुर्वेद से जुड़े व्यापार में इस साल बहुत लाभ मिलेगा आपको। मान सम्मान अगर देखा जाए तो फरवरी और जनवरी फरवरी में ग्रह गोचर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप पे सभी काम बनेंगे, संतान वृद्धि भी हो सकती है, सभी प्रकार का अच्छा रहेगा। अब अगर इस साल बुरे ग्रहों की स्थिति देखें या जो बुरा समय थोड़ा बहुत जो आएगा अगर उसको दूर करना है तो दोस्तों सबसे अच्छा यही है कि भगवान शंकर की पूजा करें। एक रुद्राष्टकम आता है तो रुद्राष्टकम का पाठ करें। शुक्रवार के दिन गरीब जो होते हैं, खासतौर से कोढ़ी वर्ग जो होता है, उनको दान दें, सफेद चीजों का दान करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह से ये चीजें करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये तुला राशि का जो राशिफल है इस साल बहुत अच्छा है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये तुला राशि का जो राशिफल है वो अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की मेरे से व्हाट्सएप पे या इस तरह से कुछ जानकारी लेनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको पूर्ण लाभ।